स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं फिटनेस चैलेंज के साथ। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को क्रिकेटर विराट कोहली का फिटनेस चैलेंज मंजूर है। कोहली ने पुशअप्स करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने लोगों को चुनौती दी थी, लेकिन अब मोदी ने कोहली की चुनौती मंजूर करते हुए लिखा कि चुनौती मंजूर है विराट, मैं जल्द ही अपना वीडियो जारी करूंगा। आपको बता दें कि इसकी शुरुआत दरअसल खेल राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की, जिन्होंने पुशअप्स का एक वीडियो जारी करते हुए सभी लोगों को चैलेंज दिया और फिटनेस चैलेंज से नाम दिया गया, जिसमें ऋतिक रोशन, विराट कोहली और सायना नेहवाल को उन्होंने टैग किया था। Hello sir, I accept your challenge. So here's my favorite core workout. Let's go. 1, 2. Hello sir, I accept your challenge. So here's my favorite core workout. तो इंडिया पे और सोशल मीडिया पे डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट। सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब और सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा ये हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट और सोशल मीडिया पर डालिए ताकि पूरा देश प्रेरित हो जाए। आइए हम सब मिलकर एक फिट इंडिया बनाएं। हम फिट तो इंडिया फिट। तो यहां पर आप देख रहे हैं हम फिट तो इंडिया फिट। इस मुहिम के साथ राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह वीडियो अपलोड किया और उसके बाद उसका समर्थन यहां पर बाकी मंत्री भी करते हुए, आप राज्य मंत्री किरण रिजिजू को यहाँ देख रहे हैं। हालांकि अपनी फिटनेस के लिए तो रिजिजू जाने ही जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो इस तरह के वीडियोस ट्विटर पर अपलोड करते रहते हैं जिसमें वो कई जिम चैलेंज लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जिस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने की, क्योंकि 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है और उसकी शुरुआत भी खुद प्रधानमंत्री मोदी के इनिशिएटिव से हुई थी, तो यहाँ पर एक बार फिर से ये देखिए अलग अलग मंत्रियों को आप देख रहे हैं। जयंत सिन्हा को आप यहाँ पर अपने दफ्तर के अंदर ही कसरत करते हुए देख रहे हैं, हालांकि वो यहाँ सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ नेता ऐसी एक्सरसाइजेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसे आप अगर जिम में ना भी मौजूद हो, दफ्तर में हो, जहां भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं। और विराट कोहली ने जब राज्यवर्धन सिंह राठौर का चैलेंज एक्सेप्ट किया तो एक वीडियो उन्होंने अपने कोर वर्कआउट का अपलोड किया, और वैसे इसके बाद चैलेंज उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, अनुष्का शर्मा इन्हें भी किया। हेलो सर, आइए खबर आपको अब दिखाते हैं मुंबई से, जहां कुर्ला स्टेशन पर एक महिला की बाल बाल जान बची। हादसे का शिकार ये महिला हो सकती थी, लेकिन क्या हुआ स्टेशन पर सीसीटीवी फुटेज से यह साफ होता है, यहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला का पैर फिसला और उसके बाद कुछ भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले कि कोई हादसा होता लोगों ने खींचकर उसकी जान बचा ली। ये घटना प्लेटफॉर्म पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे एक महिला यात्री अपने 3 बच्चों के साथ नाहर जाने के लिए कुर्ला स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची, जहां पहले से ही लोकल ट्रेन खड़ी थी। सीसीटीवी फुटेज में भी आप ये देख रहे हैं, महिला जल्दी से पहले 3 बच्चों को चढ़ाती है, उसके बाद वो खुद भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में, लेकिन अचानक ट्रेन चलने लगती है और इस दौरान महिला का पैर फिसल जाता है और तभी प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ यात्रियों ने महिला को पकड़कर खींच लिया। अक्सर ये कहा जाता है कि जल्दबाजी में इस तरह के हादसों का आप शिकार हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर लापरवाही यूं सामने आती है तो जिंदगी पर वाकई सवाल खड़े होते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और खबरें। उत्तर प्रदेश में विधायकों को दी जा रही थी धमकी, इस पर आया अपडेट ब्रेक के बाद। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।